आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल थाली। आप इसे किसी भी त्यौहार में भी बना सकते हैं। ये थाली बहुत ही सिंपल और हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रीता गुप्ताज किचन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीठी सेवई बना लेते हैं। उसके लिए भगोने में थोड़ा पानी डालेंगे जिससे दूध तले में चिपके नहीं। 2.5 ग्लास फुल क्रीम दूध डालेंगे और दूध को खौला लेंगे। उसमें 1 कटोरी रोस्टेड सेवई डाल देंगे और चला लेंगे, थोड़ा पकने देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसमें कटे बादाम, काजू, ग्रेटेड नारियल, मखाना, चिरौंजी सब चीज़ डाल देंगे और चला लेंगे। फ्लेम लो करके ही पकने देंगे। अब हम सूजी के दही भल्ले बना लेते हैं। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही डाल के मिक्स कर लेंगे। अब उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। 1 स्पून नमक डालेंगे या टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालिए। हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। इधर हम सेवई भी चला लेते हैं। अब ये लगभग पक चुकी है। इसमें किशमिश डालेंगे। दो बड़े चम्मच शुगर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से थोड़ी देर खौला लेंगे। अब ये हमारी सेवई बन चुकी है। गैस ऑफ कर देंगे। अब दही भल्ले छान लेते हैं। साफ हाथों से एक बार फिर मिक्सचर को फेंट लेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे और थोड़ा बैटर डालकर चेक कर लेते हैं कि ऑयल गरम है या नहीं। ये देखिए, ये ऊपर आ रहा है। अब हम बैटर चम्मच में लेके दूसरे चम्मच से बड़े ऑयल में डाल देंगे। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप हाथ से भी बना सकते हैं मेरी तरह। हाथों को पानी से गीला करेंगे और बैटर लेके गोल शेप में डाल देंगे। अब इन्हें अलट पलट कर ब्राउन होने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे, वरना बड़े ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब यह पक चुके हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बड़े कितने फ्लफी और स्पंची बने हैं। अब एक बाउल में गुनगुना पानी डालेंगे। 1/4 स्पून नमक, 2 पिंच हींग डालकर मिला देंगे। अब इसमें एक एक करके सारे बड़े डाल देंगे और साइड में रख देंगे। अब इधर हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, 1/4 स्पून नमक डाल देंगे, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा जीरा। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पकौड़ी का घोल तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे
अब साफ हाथों से पकौड़ियाँ छान लेंगे। उसी बाउल में 3-4 चम्मच बेसन डालेंगे, 1 कटोरी खट्टा दही और पानी डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल हमें काफ़ी पतला ही रखना है। अब कढ़ाई में तेल गरम करके कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 पिंच हींग, 5-6 करी पत्ती, 1/4 स्पून मेथी दाना, 1/4 स्पून जीरा डाल देंगे और इनको अच्छे से चला लेंगे। बेसन और दही का जो घोल तैयार किया था इसमें डाल देंगे। और बराबर कंचुली से चलाते रहेंगे। घोल गाढ़ा लग रहा है, अभी थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। इस तरीके से एकदम पतला होना चाहिए। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर डालकर कढ़ी को चला लेंगे। कढ़ी बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ी फटने लगेगी। बराबर चलाते रहने से कढ़ी चिकनी और सही बनती है। जब तक कढ़ी में अच्छा सा उबाल ना आने लगे। ये देखिए कढ़ी अच्छे से खौलने लगी है। इसको आप पकने देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम पनीर की सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 स्पून पनीर मसाला डालकर अब पानी डालकर इन सभी का पेस्ट बना लेते हैं। अब इधर कढ़ी हमारी पक चुकी है, इसमें पकौड़े हल्के हाथ से दबा के कढ़ी में ऐड करेंगे और इनको चला लेंगे। थोड़ी देर स्लो फ्लेम में और पकाएंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें 1 तेजपत्ता, 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मिक्स करेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे और जो मसाले रेडी किए थे उसे ऐड कर देंगे और पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। इसमें अच्छे से चलाते रहेंगे जिसमें मसाला जले ना। मसाला हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक होगी। मसालों से ऑयल अलग होने लगा है, अब इसमें 2 टमाटरों की प्यूरी ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला पक चुका है, अब इसमें हरी मटर ऐड करेंगे और इसे भी चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच काजू का पेस्ट डालेंगे, इन्हें भी इन सभी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें कटी हुई पनीर की पीसेस डालेंगे और इनको भी आपस में मिला लेंगे। मसाले वाली कटोरी में पानी डाल के और इसमें डाल देंगे।
और एक गिलास पानी और ऐड करेंगे। बाकी ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग थिक या थिन कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। 1 स्पून नमक ऐड करेंगे या टेस्ट अकॉर्डिंग। थोड़ी हरी धनिया डालेंगे और सब्जी को थोड़ा ढक के पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम सब्जी चेक कर लेते हैं। इसमें 1/2 स्पून गरम मसाला और थोड़ी धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें ऊपर से थोड़ी ग्रेट करके पनीर डाल देंगे। 3-4 मिनट सब्जी बिना ढके और पका लेंगे। अब सब्जी पक चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे। अब हम पुलाव बना लेते हैं। कुकर में 2 चम्मच देसी घी डालकर गरम कर लेते हैं। 1 छोटी इलायची खोलकर डालते हैं, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और कुछ काजू के पीस डाल के चला लेंगे। अब इसमें 1 कप धुला हुआ चावल डाल देंगे और चला लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और चला के 1 चम्मच नमक मिला लेंगे। कुकर की लिड लगाकर फ्लेम में 1 सीटी आने तक पका लेंगे। अब हम कचौड़ियों के लिए आटा तैयार करते हैं। 1/2 चम्मच अजवाइन हाथों से रगड़कर डाल देंगे और 1 चम्मच नमक और थोड़ी कसूरी मेथी डाल के सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब 2 स्पून ऑयल डालकर और इनको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गूंथ लेंगे। अब सेम बर्तन में पूड़ियों के लिए आटा सान लेते हैं। अब हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ के पूड़ियां बेल लेते हैं। थोड़ी पूड़ियां और थोड़ी कचौड़ी बेल के रख लेते हैं। अब गरम तेल में साइड से डालते हुए पूड़ियाँ अलट पलट के छान लेंगे। ये देखिए, हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं। अब हम दही भल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 बाउल में 2 कटोरी फ्रेश दही डालकर विस्कर से विस्क कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच पीसी शुगर ऐड करेंगे, 1/2 स्पून नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब भल्लों से पानी निकाल देंगे दोनों हाथों की मदद से दबाकर। भल्लों को दही में अब डिप करेंगे, स्पून से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च से स्प्रिंकल कर लेंगे। ऊपर से थोड़ी मीठी चटनी, थोड़ी हरी चटनी डालेंगे।
और ये देखिए हमारे दही बल्ले भी तैयार हैं। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। सेवई, पनीर, दही बल्ले, कढ़ी, पुलाव, कचौड़ी, पूड़ी। इसमें सभी चीज़ें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। आपको इस थाली के अलावा जो भी और खाना हो उसे भी आप बना सकते हैं। ये एक हेल्दी और टेस्टी फेस्टिवल थाली बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।